एचपी G4 लैपटॉप, पावर लगाने पे लैपटॉप ऑन तो हो रहा है, यहाँ पावर लगा दिया मतलब कि यहाँ पे पावर कितना उसका ओके ऑन ऑफ वाले बटन दबाने पर ये चालू तो हो रहा है, लेकिन जो डिस्प्ले जो हम लगाते हैं लैपटॉप की उस पर डिस्प्ले नहीं आ रही, तो उस कंडीशन में हमें सबसे पहले क्या चेक करना है और उसको कैसे सही करना है। तो सबसे पहले आप लैपटॉप ऑन तो हो रहा है तो आप उस कंडीशन पे क्या करोगे कि आप सबसे पहले ये जो रैम लगी है इसको आपको बदलना रहेगा, बदल के देखना है, या फिर इसमें जब इसको ओपन करोगे यहां से जब निकालोगे तो इसके पॉइंटों पे कार्बन लग जाता है तो उसको आपको क्लीन करना रहेगा, सबसे पहले आपको बदल देना है रैम। दूसरे बात पे हमको बायोस आईसी जो यहाँ पे लगी है इसके वाईफाई एंटर के नीचे रैम के नीचे इसको प्रोग्राम करना है, क्या करना है प्रोग्राम बायोस प्रोग्रामर से। इसके बाद जब प्रोग्राम करने के बाद हमको चेक करना प्रोसेसर, इसका प्रोसेसर हमको इसका बदलना है, ठीक, बदल के भी देखना कि डिस्प्ले नहीं आ रही है, अगर बदलने के बाद भी डिस्प्ले नहीं आ रही तब हमको इसका चेक करना है कोर बोल्ट। कोर बोल्ट हम चेक करेंगे तीन जगह, ये दो कॉयल है, एक यहाँ पे कॉयल लगी और एक यहाँ पे कॉयल लगी, तीनों कॉयलों पे सप्लाई आनी चाहिए तभी ये इस पर डिस्प्ले आएगी, नहीं तो आपका लैपटॉप ऑन होगा लेकिन डिस्प्ले नहीं आएगी। तो आपको जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले आपको रैम बदलना है, इसके बाद बायोलॉजी प्रोग्राम करनी है, इसके बाद सीपीयू बदलना है, इसके बाद हमको चेक करना है कोर वोल्ट, और साथ ही साथ हमें क्या चेक करनी रहेगी डिस्प्ले केबल। कीबोर्ड आके आप चेक कर सकते हो उस कंडीशन पे कि अगर डिस्प्ले आ रही है नहीं आ रही, तो आपको ये डिस्प्ले केबल भी आपको बदलनी रहेगी, ये वाली डिस्प्ले केबल। अभी हम इसको रैम पे लगा के इसको चेक करते हैं, ये लगाया डिस्प्ले केबल, इस पर हम यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहे हैं, पावर लगाया इसके, ले लो ऑन ऑफ किया, देखो इसकी ये डिस्प्ले आ गई यहाँ पे, अब देखो ये ब्लिंक कर रही है, तो मतलब कि यहाँ पे ये केबल की प्रॉब्लम है। तो आप ये अगर ये ब्लिंकिंग अगर ये अगर सही करना है तो आपको ये केबल बदलनी, देखो जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे पुश कर रहे हैं वैसे क्या हो रही है ये जो डिस्प्ले है वो सही हो जा रही है, नहीं तो यहाँ से प्रॉब्लम कर रही है डिस्प्ले। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्प्ले केबल से ही प्रॉब्लम आती है, ओके।